वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वकार है। मेरा नाम अली हैदर। तो महाभारत का 95 एपिसोड अभी आपके साथ देखेंगे। लास्ट हमने देखा था कि हस्तिनापुर में द्रौपदी जी के स्वयंवर का संदेश आया था, और फिर भी मतलब उसमें भी इम्तिहान था कि जो भी आग वो बर्दाश्त करेगा वही युवराज आए यहाँ पे भाई। उसके बाद शकुनी जी ने आंख बंद करके जो प्लानिंग बनाई है, तो क्या लगता है क्या होगा भाई? तो शकुनी ने चाल चल दी ना अपने ही भांजे को सिंहासन पर बिठाने की। वो भी उनकी भी करते भाई, राजा ही आएगा, राजा ही भाई, दूसरा नहीं आ सकता भाई। लोग बड़ा इंटरेस्ट है यार अभी महाभारत में, तो प्ले करते हैं क्या होगा यार। प्रणिपात पितामह। आओ पुत्र। पितामह, आपसे एक प्रश्न पूछना है। आप तो धर्म के ज्ञाता हैं। कहते हैं कि जिस राज्य में युवराज नहीं होता वहां देवताओं की कृपा नहीं होती, तो फिर आप हस्तिनापुर को देवताओं की कृपा से वंचित क्यों रख रहे हैं? हस्तिनापुर या कुरु राष्ट्र में कहीं वर्षा कम हुई है, सूखा पड़ा है, या बिना किसी कारण के मनुष्य या गायों की मृत्यु के समाचार का, तो फिर तुमने ये कैसे मान लिया कि देवताओं की कृपा नहीं? तुमने ये कैसे मान लिया कि हस्तिनापुर में कोई युवराज नहीं है? कौन है युवराज? भ्राता युधिष्ठिर की तो मृत्यु हो चुकी है, और मेरा अभिषेक तो नहीं किया गया, और फिर भी देवताओं ने कृपा बरसाना बंद नहीं। ये मेरे हाथों में क्या है पुत्र? चंदन की लकड़ी है। ये घिस जाने के बाद भी सुगंध देती रहती है, ऐसा ही है। युवराज के आसन पर कोई बैठा हो या ना बैठा हो, देवता ये जानते हैं कि राज्य में युवराज है या नहीं है। देवताओं ने मुझे युवराज के रूप में जान लिया है, तो फिर मेरा युवराज अभिषेक क्यों नहीं किया जाता? जिससे आर्यवर्त के राजा जान लें कि मैं हस्तिनापुर का युवराज हूं। देवता जो जानते हैं वही सत्य होता है। आर्यवर्त के राजाओं की जानकारी तो प्रतिदिन बदलती रहती है, उनकी इस जानकारी का कोई मूल्य नहीं। फिर भी यदि तुम अपने संतोष के लिए उन राजाओं तक ये जानकारी पहुंचाना चाहते हो, तो भला मैं विरोध करने वाला कौन होता? आपकी बहुत बहुत कृपा पितामह, मैं ये संदेश पिताश्री को देता हूं। प्रणिपात।
खुश लग रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। प्रणिपात का मोबाइल जो रंग चिट्ठी रहा नीलो भीला आपने दुर्योधन को अभिषेक करने की अनुमति दे दी ताश्रे? आप जब एक युवराज जीवित हो तो दूसरे प्रतिदिन दूध दही क्यों ना नहाते हैं? वो युवराज नहीं बन पाते, हो जाने दो। जब युधिष्ठिर लौट कर आएगा तो ये अभिषेक स्वयं ही व्यर्थ सिद्ध हो जाए। परंतु हमारे गुप्तचर अभी तक पांडवों को ढूंढ नहीं पाए हैं दाक्षिण, पता नहीं वे कब लौटे हैं, और तब तक दुर्योधन अपना राज्याभिषेक नहीं करवा लेते। ऐसा नहीं होगा, पांडु पुत्र शीघ्र ही लौटे। वो कहाँ है इस बात की जानकारी? परंतु कैसे दाक्षिण? तुमने सुना नहीं, कुछ समय पहले राक्षसों के राजा हिडिंब का वध हो गया। इनके अलावा ये और कौन कर सकता है? क्या हो गया अर्जुन वारे, साढ़े को दाढ़ी आ गई। तुम इतने टाइम से वचन दिया था ना बेटे से कमे। आज का दिन मेरे लिए सबसे बड़ा सुख लेकर आया है मेरे लाल। लेकिन इस सुख के साथ साथ एक बहुत बड़ा दुख भी है, बहुत बड़ा। आप पिता बन गए। बधाई हो ज्येष्ठ भ्राता। अब आपको गंभीर हो जाना होगा, यदि हम आप पर हंसे तो आप क्रोधित नहीं हो सकते। <laughs> <laughs>